हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्मित विवेक, मैं आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 का जो एनटीपीसी जो एग्ज़ाम था 31 जुलाई को समाप्त हो चुका है। अब आपका वेट कर रहे होंगे आरआरबी एनटीपीसी आंसर की, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट कब होगा, ये सारा हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये कब कब होगा, क्या क्या होने वाला है आगे, ऑफिशियल आरटीआई से ये हमें पता चला है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आरटीआई का हम सारा हम देखेंगे, आरटीआई भी दिखाएंगे क्या जवाब मांगा था और क्या विभाग ने, एक स्टूडेंट ने जो जवाब मांगा था और विभाग ने क्या उसका आंसर दिया, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। सारा कुछ इसी के बेसिस होगा, आंसर की है, सीबीटी 1 रिजल्ट है, सीबीटी 2 का एग्जाम है, कब कब होगा दोस्तों। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा, ठीक है। और आपका जो तैयारी होगा सीबीटी 2 का, वो आप तैयारी कर दीजिए, जिसका मार्क्स आपको 60+ 70+ आ रहा है दोस्तों, कुछ 100% उसका सीबीटी 1 रिजल्ट होने वाला, ठीक है। तो हम एक वीडियो बहुत जल्द ही आंसर की आने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है, कब होगा आपका जो कट ऑफ जाएगा वो, क्योंकि आंसर के आने के बाद एक ऑथेंटिक पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट का जब हम सर्वे लेंगे कितना मार्क्स आ रहा है दोस्तों, तो उससे पता चल जाता है कि कट ऑफ कितना जाने वाला, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं थोड़ा सा हम आगे, एक देखिए ये नोटिस आया हुआ था आपको ये, ठीक है, फी रिफंड का। तो फी रिफंड के बारे में आपको पिछला डाटा हमको डिस्कस करते हैं, जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, किसका किसका हुआ था, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, किसका हुआ था, ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, ठीक है, एएलपी का हुआ था, एसआई का हुआ था, आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था, आरपीएफ कॉन्स्टेबल का एग्जाम हुआ था, इस समय जो फी रिफंड हुआ था, जो फी रिफंड का जो प्रोसेस था कब हुआ था, उसमें जो ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था उसमें फिर जो रिफंड हुआ था दोस्तों, या तो देखिए एलपी ग्रुप डी का था, या तो आपका सीबीटी 1, ठीक है, सीबीटी 1 का जो रिजल्ट हुआ था दोस्तों उसके बाद हुआ था, या तो आंसर की जारी करने के बाद आपका ये फी रिफंड का जो प्रोसेस था वो आया था, ठीक है। बट इस बार आरआरबी एनटीपीसी में क्या कि सीबीटी 1 का आंसर की और या रिजल्ट दोनों से पहले ही आपका फी रिफंड कर दिया है, ये 31 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। ये कब तक चलेगा फी रिफंड का जो प्रोसेस है दोस्तों, 31 अगस्त तक चलेगा, यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, ठीक है, 31 अगस्त तक चलेगा। तो पिछला जो प्रोसेस था उससे जस्ट उल्टा हो गया, तो आंसर की या रिजल्ट के बाद आपको ये फी रिफंड का प्रोसेस था, इस बार क्या आ गया, पहले आ गया। तो इसके बारे में देखते हैं कि आरटीआई में क्या क्या प्रोसेस था, क्या क्या जवाब था, क्या क्या जवाब मांगा था और क्या आंसर किया, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका आरटीआई का जो जवाब मांगा था, यहाँ देखिए क्या है आरटीआई में। यहाँ पर सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन था पहला, आई नीड सम इन्फॉर्मेशन, क्या था, आरआरबी एनटीपीसी सीएन 1/2019 टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट अप्रूव इन एग्जाम टिल सेवन्थ फेज तक टोटल कितने स्टूडेंट ने एग्जाम में अपियर हुआ, परसेंटेज ऑफ द अटेंडेंस इन सीबीटी 1, ठीक है, इन आरआरबी एनटीपीसी सीएन 2001, ठीक है, कितना बच्चों ने अटेंडेंस यहाँ पे आपको अटेंडेंस हुआ है वो सारा यहाँ पे भी मांगा गया है। तो सम क्या है कि आरआरबी वाइज टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स इन ईच फेज कॉल्ड फॉर एग्जाम एंड हाउ मच कैंडिडेट्स अपियर इन एग्जाम फेज वाइज, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 6, 7 फ्रॉम द ईच आरआरबी, आरआरबी एनटीपीसी सीडब्ल्यू, देखिए चौथा में क्या पूछा है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 आंसर की डेट, मतलब आंसर की का डेट कौन सा होगा, व्हेन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट पब्लिश, सीबीटी 1 का रिजल्ट कब पब्लिश होगा। छठा में क्या पूछा था, व्हाट इज द शेड्यूल फॉर द आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, सीबीटी 2 का आपका जो एग्जाम होगा कब होगा, एंड आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम कंप्लीटेड और देयर विल बी 8th फेज एग्जाम 2, क्या सीबीटी 1 का 8वां फेज भी एग्जाम होगा, ये भी आपको पूछा था। ये सारा का जवाब देखते हैं अब आपको आरआरबी ने क्या दिया, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पहले, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए आपका यह कि 1/8/2021 को आया हुआ आरआरबी रिक्वायरमेंट बोर्ड रिक्वेस्ट डिस पोस्टेड 4/8/2021, चार डेट हो गया पब्लिश आपका, यहाँ एक्शन डेट ऑफ एक्शन क्या है कि देखिए रिप्लाई क्या दिया, एक नंबर का, द इन्फॉर्मेशन अबाउट अपियर कैंडिडेट्स फेज वाइज कैटेगरी वाइज जोन वाइज ETC इज नॉट रिडली अवेलेबल एंड कंपेलिंग सच इन्फॉर्मेशन विल काउज डिस अपॉइंटेड स्टेट ड्रेन ऑफ द पब्लिक रिसोर्सेज, हैंस नो इन्फॉर्मेशन कोड भी फिनिश्ड। देखिए इसमें क्या किया गया दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या किया गया, ये जो आपने पहला जवाब दिया था ये क्या किया कि ये मेंशन नहीं किया गया है, ये अभी तक डाटा उसके पास नहीं है, इसीलिए जवाब ये आपको नहीं दे सकता है, ठीक है, ये पब्लिक उसके पास डाटा नहीं है। तो चलिए सेकेंड में देखिए क्या आपका, आप देखिए यहाँ पे ये 1 हो गया, उसके बाद यहाँ देखिए 4 और 5 का क्या दिया है यहाँ पे, इट इज़ अंडर प्रोसेस प्लीज़ विजिट द वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट, मतलब जो आंसर की का जो जवाब क्या दिया है कि ये आपका प्रोसेस में काम चल रहा है इस पर दोस्तों, कभी भी इसका आंसर की आपको जैसे ही प्रोसेस ख़त्म होता है ये आंसर की आपको जारी कर दीजिएगा, आपको आरबी का जो ऑफिशियल साइट है उसको विजिट करते रहना है, किसी भी दिन हो सकता है। आप देखिए कब हो सकता है दोस्तों, या तो आपका अगस्त का लास्ट वीक में दे सकता है, या तो आपका जो 31 तारीख का जो आपका फी रिफंड का जो प्रोसेस है ये समाप्त होने के बाद, या सेप्टेम्बर के 1st वीक में आपको
दे सकता है, ठीक है। या तो अगस्त का लास्ट वीक में आंसर दे सकता है, या तो सेप्टेम्बर का फर्स्ट वीक में आंसर की देगा, या तो 31 अगस्त को जो फी रिफंड का जो प्रोसेस है दोस्तों, फी रिफंड के बाद भी आपको दे सकता है आंसर की। आंसर की जारी करने के बाद जस्ट आपको 15-20 दिन का आपको रिजल्ट भी दे सकता है। CBT 1 का रिजल्ट कब जारी कर सकता है दोस्तों? CBT 1 का रिजल्ट आपको लास्ट सितंबर भी आपका आंसर मतलब रिजल्ट दे सकता है। और CBT 1-2 का जो एग्ज़ाम होगा वो देखते हैं कब होगा, ठीक है। सारा यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा छठा में, द डेट ऑफ द CBT 2 एग्जामिनेशन डिपेंड्स अपॉन सो मेनी अदर फैक्टर्स सच एज अवेलेबिलिटी फॉर एग्ज़ाम सेंटर रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू कोविड पेंडेमिक ETC, हैंस नो इन्फॉर्मेशन कुड बी फर्निश्ड एट दिस स्टेज। अब देखिए कोविड का अभी चल रहा है, कोविड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्या हो सकता है कहना कठिन है। उसके बाद सेंटर, बहुत सारे एग्जाम का सेंटर अभी बुक किया हुआ, जैसे आपका CHSL का हो गया, MTS का हो गया, CGL का हो गया, स्टेनोग्राफर का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, क्योंकि अब जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा हो सकता है TCS नहीं, कोई और कंपनी ले रही है, NSEIT भी ले सकती है, तो उसका सेंटर अलग भी हो सकता है। लेकिन ये TCS में आपका सेंटर फिलहाल आपका बुक है, तो अक्टूबर के बाद आपका CBT 2 का एग्जाम हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या यहाँ पे है कि प्लीज रिफर टू द लिंक नोटिस 7th फेज CBT 1 विच इज पब्लिश इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB, ठीक है। ये आपको वहाँ पे प्रोसेस किया हुआ है, तो आप देखते हैं कि दोस्तों कि आपका ये प्रोसेस हो गया, तो इसका मतलब क्या कि आपका जो आंसर की होगा दोस्तों लास्ट अगस्त मतलब अगस्त के लास्ट वीक या सेप्टेम्बर का फर्स्ट वीक में आएगा। उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट आपको 15-20 दिन का मतलब लास्ट सेप्टेम्बर आपका रिजल्ट आएगा। और CBT 2 का एग्जाम दोस्तों आपको उम्मीद है कि अक्टूबर के बाद ही होगा, हो सकता है ग्रुप डी का एग्जाम भी बाद भी हो सकता है, ठीक है। यदि ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हुआ तो उसके बाद भी एग्जाम आपका CBT 2 को होगा, लेकिन यदि आपका यदि बीच में यदि ले लेते हैं एग्जाम, चूंकि कम से कम 9 दिन एग्जाम होगा इसका, ठीक है, कम से कम 3 से 4 दिन आपको एग्जाम, 4 से 5 दिन, हाँ 4 से 5 दिन में आपका CBT 2 का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पिछला बार आपको 9 शिफ्ट में मतलब 3 दिन हुआ था एग्जाम, ठीक है, 3 से 4 दिन हुआ था एग्जाम, 17, 18, 19 को एग्जाम हुआ था पिछला NTPC में। इस बार कैंडिडेट यदि ज़्यादा होता है तो डेट बढ़ा मतलब दिन बढ़ भी सकता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अक्टूबर के बाद आपका CBT 2 का एग्ज़ाम होगा। तो देखिए एग्ज़ाम इधर बीच में जो है दोस्तों, ये देखिए आपका एग्ज़ाम है यहाँ पे, देखिए क्या क्या कौन सा एग्ज़ाम है यहाँ पे देख सकते हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल आपका स्किल टेस्ट आपको 15/9 से 16/9/2021, फिर आपको जूनियर इंजीनियर का जो पेपर 2 होगा दोस्तों 26 तारीख को है, 26/9/2021। उसके बाद MTS का ये लंबा थोड़ा सा जाएगा, यहाँ देख सकते हैं आप, तो 15/10/2021 से 20/10/2021। उसके बाद स्टोनोग्राफर 21/10 से आपको 22/10, मतलब ये अक्टूबर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक अक्टूबर में उम्मीद कम है कि एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है, अक्टूबर के बाद आपका एग्ज़ाम हो सकता है, या 22 है तो 22 के बाद आपको सेंटर यदि आपको वो मैनेज किया हुआ है तो 22 तारीख के बाद आप एग्ज़ाम ले सकता है CBT 2 का। लेकिन सबसे पहले आपको देखना क्या है कि आंसर की इस महीना में आता तो ठीक, नहीं तो सितंबर का फर्स्ट वीक में 100% आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, 15-20 दिन के बाद आपको CBT 2-1 का रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट में आपको जो फाइनली जो आंसर की होता है करेक्शन के बाद वो होगा, उसके बाद रिजल्ट देगा, रिजल्ट देने के बाद आपका फिर आपका CBT 2 का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद CBT 2 का बाद रिजल्ट होगा, और उसके बाद जो प्रोसेस होगा अपना चलते रहेगा इसका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस प्रकार के नोटिफिकेशन और रेलवे की तैयारी से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।